दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स ने बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की। ओपी धनखड़ उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स का प्रदर्शन कई दिनों से चला रहा है, लेकिन ये अध्यापक पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े वेतन, सिक्योरिटी और पक्का करने जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे प्रदेश के कंप्यूटर टीचरों का धरना लगातार जारी है। प्रदेश सरकार से परेशान होकर टीचर्स मोदी से मिलने पहुंचे, पर महज प्रधानमंत्री के अधिकारियों के आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। कंप्यूटर अध्यापकों के एक दल ने पीएमओ के अधिकारी से मुलाकात की, जिसमें टीचर्स को 15 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद कंप्यूटर टीचर्स जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करने बैठ गए। इसको देखते हुए आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जंतर मंतर पहुंची और कंप्यूटर टीचरों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने मानव संसाधन मंत्री को मांग पत्र सौंपा। स्मृति ईरानी ने कंप्यूटर टीचर्स को आश्वासन दिया कि जल्द ही वे प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से मुलाकात करेंगी। उसके बाद प्रदेश बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कंप्यूटर टीचरों से मुलाकात कर उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। सामान्यतः जब भी जो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जो अंतर है, और निजी क्षेत्र में जिस प्रकार से काम दिए जाते हैं उनके उसके कारण से इनका एक प्रकार का शोषण हो रहा है। जब आप बहुत छोटी तनख्वाह में किसी को रखते हो तो वो अपने घर के साथ जुड़े हुए अपनी सुविधाओं के साथ ही उस नौकरी को कर पाता है। न्याय एक अलग विषय है और कानून एक अलग विषय है। इनके साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है। कानून के रास्ते पर जाएंगे तो शायद कोई कोर्ट भी कहेगी कि वो गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन व्यवहार में देखेंगे तो अन्याय हुआ मिलेगा। बहरहाल इस सियासत के पेंच में फंसे कंप्यूटर टीचरों का भला होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।